वेलकम बैक टू द वीडियो। इंस्टाग्राम पे हम लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रीच भी डाउन हो रही है, रील्स अपलोड करने के बाद भी हमारी रील्स पे व्यूज नहीं आ रहे, रील्स पे ग्रोथ दिख ही नहीं रही, इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ विच आई फॉलो एंड मुझे उनका रिजल्ट मिला है। एल्स मैं आपको पहले तो इंस्टाग्राम के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, 1 मिलियन है एंड 1 मिलियन मैंने 11 महीने में किया है। इंडीड 11 महीने में मैंने 1 मिलियन हिट किया है, तो मैंने कुछ ना कुछ तो अलग किया होगा ना हटके, सो दैट और मैंने कुछ टाइम्स रखे होंगे जिस टाइम पे मैं अपलोड करता हूँ, उसी वजह से मुझे ग्रोथ मिली। अब आपको क्या करना है, आपको कैसे चेक करना है दैट आपकी ऑडियंस कब सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। उसी के साथ साथ ऑडियंस एक्टिव रहती है उससे पहले अपलोड करना है, उसके बाद अपलोड करना है, उस टाइम पर अपलोड करना है, आपको कैसे पता करना है, इस वीडियो में डिटेल में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आप मेरे साथ वीडियो पूरी देखोगे एंड सारे स्टेप फॉलो करोगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पहले सबसे पहले ये चेक करना है कि ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव कब रहती है, आपकी नहीं इन जनरल ऑडियंस सबसे ज़्यादा कब एक्टिव रहती है। ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है अपने मतलब ट्रैवलिंग आवर्स में, मोस्टली लोग काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल की छुट्टी, स्कूल में पढ़ते हैं, फिर स्कूल की छुट्टी होती है, फिर अपना घर पे भी थोड़ा बहुत खेलते हैं, उसके बाद वो एक्टिव होते हैं। एंड वो टाइम कौन सा है, वो टाइम है शाम के 4:30 से या फिर 5 बजे से रात के 9 बजे तक का। अब इसमें से कौन सा बेस्ट टाइम है आपको जो अपलोड करना है, वो कैसे चेक करना है, मैं कब करता हूँ वो भी बता देता हूँ आपको। यहीं पर ही राइट टॉप कॉर्नर 3 लाइन पर टैप करना है, उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में एंड यहाँ से या तो आप क्रिएटर टूल्स पे देख सकते हो, एल्स आप एक काम करो प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आ जाओ। जैसे आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आओगे एंड यहाँ पे अब आपको क्या करना है, टोटल फॉलोअर्स में जाके हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना है, हल्का सा, ओके। एंड यहाँ पे आप देखोगे मोस्ट एक्टिव टाइम, अब मोस्ट एक्टिव टाइम में ये रहा है, ये डेज के हिसाब से भी ना आवर्स के हिसाब से भी, अभी मैं आपको डेज के हिसाब से देखता हूँ। तो मेरी ऑलमोस्ट सेम ऑडियंस हर दिन एक्टिव रहती है, आवर्स पे आ जाते हैं। अब मैं देखूं, मैं संडे को, आज ट्यूसडे, मंडे, फिर ट्यूसडे, थर्सडे, ऐसे देखते हैं, ओके, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मेरे ग्राफ में मोस्टली ज़्यादा चेंज नहीं आया है, क्योंकि मेरी ऑडियंस हर दिन शाम को, यहाँ पे टाइम देख रहे हो 12 बजे, 12 AM है रात के, देन 3 AM, 6 AM, 9 AM, फिर 12 PM, 3 PM, 6 PM एंड 9 PM। मेरी ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है 6 PM पे, एंड मैं आप देख सकते हो 6 PM पे 313 ये थर्सडे को, ओके। अगर मैं डे घटाऊं फिर इस पे टैप करूं तो 314, आज जैसे ट्यूसडे है तो आज कितनी ऑडियंस 6 बजे एक्टिव थी, ये देखो ट्यूसडे पे करके देख लेता हूं टैप, 3110, वर्किंग डे है तो मोस्टली लोग इसी टाइम पे एक्टिव होते हैं। एंड मेरी रील्स पे मुझे डालते ही अच्छा रिस्पॉन्स इसीलिए मिलता है क्योंकि मैं 6 बजे से या तो 5 मिनट पहले या फिर 6 बजे एग्जैक्ट वीडियो अपलोड कर देता हूँ। मोस्टली ऑफिसर्स की छुट्टी 6 बजे होती है, 5:30 बजे हो जाती है, वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं एंड ऐसे ऐसे रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं एंड जिन लोगों को भी इंटरेस्ट होता है वो लोग इस रील को रोक के देख लेते हैं। अगर आप मैं इसको सुबह 3 बजे करूँ तो मुझे क्या क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, 47,000 लोग एक्टिव रहते हैं 6 बजे, 198 डे, मतलब मेरे जो सबसे ज़्यादा रहते हैं वो एक्टिव रहते हैं 3:10 पे। एंड ये जनरल टाइम है जहाँ सब एक्टिव रहते हैं इस टाइम पे। आप अपना ऑडियंस ऐसे चेक कर सकते हो कि वो लोग किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले ये चेक करना है, मैं वीडियो 6 बजे अपलोड कर देता हूँ एनी हाउ, डेली मेरी वीडियो अपलोड होती है, आपकी वीडियो जब भी अपलोड होती है चाहे वीक में 2 बार हो रही है, 3 बार हो रही है, जिस भी नीश में आप काम कर रहे हो, हेल्थ में, कॉस्मेटिक में आप या फिर टेक में काम कर रहे हो, तो आप अपनी ऑडियंस उसी अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि सुबह भी एक टाइम होता है जहाँ पे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं वहाँ पे भी वो लोग स्क्रॉल करके देख लेते हैं रील, तो आप सुबह भी कर सकते हो। बट मेरी मोस्टली जो ऑडियंस है वो एक्टिव रहती है शाम को 6 बजे एंड मैं भी 6 बजे अपलोड करता हूँ। आपकी ऑडियंस कब एक्टिव रहती है कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी उसी के साथ साथ जब भी आप रील अपलोड कर रहे हो उसी के साथ साथ एक स्टोरी और अपलोड कर दो, रील, न्यू रील अपकमिंग ऐसे करके, एंड आपकी स्टोरी पे भी एंगेजमेंट आएगी, आपकी रील पे भी एंगेजमेंट आएगी। तो ये चीज़ आपकी मोस्टली ऑडियंस जिस टाइम पे एक्टिव रहती है वो तो आपको तभी करना है, स्टोरी भी आपको उसी के आसपास डालनी है सो दैट स्टोरी डलते ही उस पर क्विक से जल्दी से रिस्पांस आ जाए। रील पे तो आती आती है, आप कुछ भी पोस्ट भी कर रहे हो तो भी आप अपनी ऑडियंस देख के करो और कोशिश करो अभी के लिए जितना ज़्यादा अपलोड कर सको कंटेंट। मैंने बहुत सी यूट्यूब वीडियोज़ में देखा है कि वो लोग बोलते हैं क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वालिटी पे ध्यान दो, इफ यू आर इन टेक क्वांटिटी पे ध्यान दो। फॉर नाउ इनिशियल स्टेज आपकी, जितनी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकते हो उतनी ज्यादा अपलोड करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल क्वालिटी खराब कर लो, कुछ भी डाल दो, नहीं, अपने नीश रिलेटेड
ज्यादा वीडियो अपलोड करनी है और थोड़ी सी क्वालिटी स्टैंडर्ड भी चलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा करो, क्योंकि जहां एक वीडियो आपके लिए काम करेगी, अगर आप वीक में 7 वीडियो डाल रहे हो, 7 वीडियो आपके लिए ऑडियंस लेके आएगी, है ना। और एक बार रीच और 7 में से प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा रहेगी एक वीडियो वायरल होने की, जहां वीक में सिर्फ आप एक वीडियो अपलोड कर रहे हो। तो इंस्टाग्राम पे अभी के लिए एल्गोरिथम यही कहती है, जितना ज्यादा अपलोड करोगे उतना ज्यादा रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ गए, किस टाइम पे अपलोड करनी है, एक्टिव कब रहती है आपकी ऑडियंस और कितनी वीडियोस अपलोड करनी है। 3 चीजें मैंने बता दी, यही 3 चीज मैं फॉलो करता हूँ। आई अपलोड एवरी डे, आई अपलोड ऑन राइट टाइम, 6 बजे मेरी ऑडियंस एक्टिव रहती है, 6 बजे करता हूँ और स्टोरी में वो डालता हूँ। बाकी कम्युनिटी बना लेना साथ साथ, क्योंकि कम्युनिटी बनाना जरूरी है। जैसी वीडियो अपलोड होगी आप कम्युनिटी में लिंक डाल दोगे तो आपकी ऑडियंस वैसी उठ के वहां आ जाएगी और वीडियो वैसी वायरल हो जाएगी, राइट। आई होप आपको पता लग गया जो समझा रहा हूँ। उसी के साथ साथ इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में येस नो लिख के राइट टाइम लिख देना, कब आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है वो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही दोगे आई होप, क्योंकि इंस्टाग्राम ग्रोथ से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है सोशल मीडिया से रिलेटेड आप इस चैनल पे देख सकते हो। थैंक यू सो मच।